होल ईयर आपको ये क्रिसेंथेमम प्लांट को कैसे सेव करना है थ्रू आउट द ईयर, यही आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, डेड प्लांट, डेड फ्लावर्स, डेड स्टेम, सभी आपको धीरे धीरे सभी प्लांट्स को नीचे से काट देना है। बेसिकली ये पूरे जो पॉट है, इसके पूरे जो डेड प्लांट्स, इसको उनको क्लीन करना है। क्लीन करने से ही फंगस नहीं लगेगा और ये प्लांट्स ठीक से रहेंगे। तो आप पहले क्लीन कैसे करेंगे ये देखिए, काटना है और स्टिक्स को भी निकालना है। ये स्टिक निकालने में मुझे अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, आपको दिख रहा है, आपको ये मिट्टी हार्ड हो जाती है, इसलिए मैं, आप आगे देखेंगे कि मैंने थोड़ा पानी देके उसको सॉफ्ट कर लिया है, और सॉफ्ट करने के बाद वो आराम से स्टिक निकल जाएंगे। तो आपको यही करना है, आप उसको निकालने की कोशिश में मेन स्टेम को आप निकाल देंगे, इसलिए आपको सॉफ्ट करना ज़रूरी है। कट करने के कट कर लीजिए, क्लीन करना है, कट करना है और स्टिक्स को निकालना है। फर्स्ट स्टेप यही है, पूरा अच्छी तरह आप निकाल लीजिए। पानी डाल के मिट्टी को सॉफ्ट कर लेना है और मिट्टी सॉफ्ट होते ही स्टिक्स आराम से निकल जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सब स्टिक्स निकाल लीजिए, सारे पॉट्स में, जितने भी आपके पास पॉट्स हैं सभी में यही काम करना है। और नीचे जो सकर्स हैं, जो मेन स्टेप के नीचे जो सकर्स होते हैं, उनको संभाल के रखना है। को आपको थ्रो अवे नहीं करना, मैं आपको बताऊंगी इन ड्राई लीव से कैसे आपको पॉटिंग मीडियम बनाना है। कटिंग के बाद मेन फाइनल जो चीज़ है ये फंगीसाइड देना है। मैंने बोला ना, इनमें फंगस लगना बहुत इजी होता है, इसलिए फंगीसाइड देना बहुत ज़रूरी होता है। सब पॉट्स में हाफ टी स्पून आप स्प्रेड करके दे दीजिए इसे, और उसके बाद आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें
इसके नीचे जाएगा और इनके जो रूट्स हैं इनमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, नहीं तो ये कहते हैं ना दम बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि क्लॉगिंग, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम गुड़ाई कर देते हैं क्योंकि उसके तो एयर सर्कुलेशन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, आपको वर्मी कंपोस्ट देना है ये जो सकर्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए। सकर्स आपको मालूम होगा, बेबी प्लांट्स को सकर्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं अभी बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए इनको ग्रोथ के लिए इनको वर्मी कंपोस्ट देना होगा, क्योंकि विदाउट पूरे मिट्टी में अब न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप गुड़ाई कर दीजिए, सेम रीज़न, क्लॉगिंग ना हो, एरिएशन अच्छा हो। पॉट में अच्छी तरह एकदम डीप वाटरिंग कर दीजिए और उनको शेड में रखना है, अच्छी तरह काफ़ी सारा पानी देके इनको वाटरिंग करना है, नीचे से एकदम पानी निकल जाए ऐसी वाटरिंग करना है और शेड में रख दीजिए। देखिए ये सकर्स बेबी प्लांट्स 1 महीने के बाद कितने हेल्दी और बड़े हो गए हैं। इनको ही आपको सेव करना है टिल मॉनसून हम रीप्लांट करेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ।